हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया, अहम खबर दें आपको। कराची के इलाके लियारी फूलपति लेन में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, लियारी गैंग वॉर का अहम तरीन कमांडर बाबा लाडला हलाक कर दिया गया है। रेंजर्स के साथ मुकाबले में बाबा लाडला के दो साथी सिकंदर और सीकू और यासीन बलोच भी हलाक हुए हैं। हलाक मुलजमान के कब्जे से दस्ती बम और गोलियां भी बरामद की गई हैं। रात गए लियारी फूलपति लेन में रेंजर्स की भारी नफरी ने गैंग वॉर के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो पहले से मौजूद दहशतगर्दों ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर दी। अहम खबर जिसे आपको आगाह किया जा रहा है, तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि गैंग वॉर मुलजमान ने बुलंद इमारतों की छत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से तीन मुलजम हलाक हो गए जिनके कब्जे से खुदकार मशीन गन, दस्ती बम और गोलियां बरामद हुई। जराए का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला सिकंदर उर्फ सिकू जबकि तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त मामू यासीन बलोच के नाम से हुई है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुआ। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए एक्सप्रेस।